2021 रॉयल एनफील्ड हिमालयन बहुत जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाली है। लॉन्च होने से पहले इस बाइक के न्यू कलर सामने आए हैं। ये वो 3 कलर्स हैं जो आपको 2021 रॉयल एनफील्ड हिमालयन बाइक में देखने को मिलेंगे। इन 3 कलर्स में से पहला कलर मिराज सिल्वर है, इसके बाद दूसरे कलर का नाम पाइन ग्रीन है, इन दो कलर्स के बाद तीसरा कलर ग्रेनाइट ब्लैक है जो आपको 2021 रॉयल एनफील्ड हिमालयन बाइक में देखने को मिलेगा। 2021 रॉयल एनफील्ड हिमालयन सिर्फ कुछ वीक्स में लॉन्च होने वाली है। न्यू कलर्स के साथ साथ आपको इस बाइक में न्यू फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। कुछ समय पहले हिमालयन बाइक को ट्रिपल नेविगेशन के साथ स्पॉट किया गया था। ट्रिपल नेविगेशन सिर्फ आपको फिलहाल मीटियोर 350 बाइक में देखने को मिलता है। इस फीचर को रॉयल एनफील्ड न्यू हिमालयन के साथ साथ अपनी आने वाली और भी बाइक्स में लाने वाली है। रॉयल एनफील्ड ने ट्रिपल नेविगेशन को सबसे पहले मीटियोर 350 बाइक पर ही लॉन्च किया था। रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो में फिलहाल मीटियोर 350 न्यूएस्ट बाइक है। मीटियोर 350 को लॉन्च करने के बाद पहली बार रॉयल एनफील्ड किसी बाइक को लॉन्च कर रही है। रॉयल एनफील्ड ने मीटियोर 350 बाइक को 2020 ईयर में 6 नवंबर को लॉन्च किया था। तो मीटियोर 350 के बाद रॉयल एनफील्ड अब न्यू हिमालयन बाइक को लॉन्च करने को तैयार है। न्यू हिमालयन बाइक के इंजन में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। पहले की तरह न्यू हिमालयन भी 411 सीसी के इंजन के साथ आने वाली है। ये इंजन 24.3 बीएचपी की पावर को 32 एनएम के टॉर्क पर प्रोड्यूस करता है। हिमालयन के न्यू मॉडल में रॉयल एनफील्ड ने न्यू सीट्स को ऑफर किया है। न्यू हिमालयन बाइक में मिलने वाले जो सीट्स हैं वो ब्राउन कलर के हैं। फिलहाल हिमालयन के ऑनगोइंग मॉडल में आपको ब्लैक कलर के सीट्स देखने को मिलते हैं। न्यू कलर्स के साथ ये सीट्स पहले के मुकाबले अब ज्यादा कंफर्टेबल भी हैं। ये हिमालयन बाइक के ओल्ड और न्यू मॉडल्स के पिक्चर्स हैं। यहाँ पर आप हिमालयन बाइक के ओल्ड और न्यू मॉडल में किए गए चेंजेस को देख सकते हैं। इस न्यू अपडेट के साथ हिमालयन बाइक के प्राइस में भी आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। फिलहाल हिमालयन बाइक 1.92 लाख रुपीस की स्टार्टिंग प्राइस के साथ आती है। तो न्यू 2021 रॉयल एनफील्ड हिमालयन बाइक के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ऑटो अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।